मान ली गई है। क्या आप तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात और बड़े हसमुख मिजाज के साथ यहां पर ये मुलाकात होती हुई नजर आई। और हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश जरा ये बताइए, चिराग पासवान जिस बात पर अड़े हुए हैं, क्या वो बात मान ली गई है, इसलिए अब सीटों की संख्या जल्दी सामने होगी? देखिए, चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करके इस बारे में जानकारी तो जरूर दे दी है कि सहमति बन गई है। और बात बिल्कुल क्लियर है, जब मंगल पांडे पशुपति पारस से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान के आवास पहुंचे नॉर्थ एवेन्यू में, यहाँ पर जब मुलाकात करने पहुंचे उसके थोड़ी ही देर बाद एक बुके मंगाया गया यहाँ पर, और उसके बाद उस बुके को लेकर के साथ में मंगल पांडे चिराग पासवान एक गाड़ी में, चिराग पासवान की गाड़ी में जब यहाँ से एक साथ गए, उसमें मैसेज बहुत क्लियर था कि बात अब बन गई है। क्योंकि मंगल पांडे, चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों से बात कर रहे थे और एलजेपी में दोनों दलों में कैसे सीट का बंटवारा होगा, क्या होगा, उस पर बात कर रहे थे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया जब बुके लेकर के मंगल पांडे और चिराग पासवान दोनों एक साथ एक गाड़ी में गए, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अमितेश ये मानकर चले कि जो कहा जा रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार नहीं करना होगा, सीट शेयरिंग जो है वो आंकड़ों के जरिए आपके सामने होगी, तो अब वो जो एक कहीं ना कहीं पेंच थी वो पेंच सुलझ गई है? देखिए, 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक परसों हुई थी उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से यह संकेत दिया गया था कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी 13 और 14 तारीख तक सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। और आज माना जा रहा है कि समझौता फाइनल किया जा रहा है सभी दलों के साथ में, और चिराग पासवान के साथ जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डील फाइनल हो गई है, समझौता फाइनल हो गया है। क्या तस्वीर होती है इसका अंदाजा अब इसके बाद देखना होगा, कब तक इसका खुलासा होता है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, उनकी भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ भी बातचीत को फाइनल रूप आज दिया जा सकता है, आज देर रात तक। तो निश्चित रूप से अगला आज से कल तक का जो दिन है, 2 दिन के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एनडीए के भीतर जितने भी घटक दल हैं सबके बीच में सहमति बना ली जाएगी। क्या तस्वीर निकलती है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। अमितेश जरा आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी सहयोगी विनीता भी हमारे साथ जुड़ गई है पटना से। विनीता, चूंकि हाजीपुर सीट वो सीट है जिसे लेकर के दावेदारी दोनों तरफ से ठोकी जा रही थी और इसीलिए बड़ा मुश्किल हो रहा था ये समझा पाना एक को कि भाई आप इस दावेदारी को छोड़िए और सीटों की संख्या जो बताई जा रही है उस पर एक मत हो जाइए, लेकिन अब चिराग पासवान का ये पोस्ट बता रहा है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बिल्कुल विभा, क्योंकि बार बार चिराग पासवान पर यह भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वो एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि वो भले ही एनडीए से जुड़ गए थे लेकिन एनडीए के सदस्य वो हैं या नहीं है, इस पर सवाल उन्हीं की जो पार्टी है, जो उनके चाचा की पार्टी है, वो बार बार उठा रही थी। शायद उसी का जवाब चिराग पासवान ने दिया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और उसके सदस्य बन गए हैं और बहुत ही जल्द सीटों पर सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि बार बार जिस तरीके से वो अपनी 6-1 की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 6-1 की मांग तो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान की जो पार्टी है यानी चिराग गुट है, उन्हें 4 या 5 सीटें जरूर दी जाएगी। और आज जो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ उनकी, और जो पॉजिटिव जो उन्होंने पोस्ट एक्स पर किया है, वो साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी बातें मान ली गई है। हाजीपुर सीट पर लगातार वो दावा ठोक रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अपने पिता के असली उत्तराधिकारी हैं और इस वजह से हाजीपुर सीट पर उनका दावा है। और जो पोस्ट उन्होंने किया है, पोस्ट में साफ तौर पे बयां हो रहा है कि चिराग पासवान संतुष्ट हैं, बीजेपी ने उनको संतुष्ट कर लिया है, यही वजह है कि उन्होंने पोस्ट करते हुए साफ तौर पे कहा है कि वो एनडीए के सदस्य हो गए हैं और बहुत ही जल्द सीटों पर जो बातचीत है वो साफ हो जाएगी। खबर को ही बीजेपी ने मना लिया है, जेपी नड्डा ने वो बीच का रास्ता निकाल लिया है ये मानकर चले हम। अब बिल्कुल, पारस जो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, उनसे क्या बातचीत हुई कि जो हमारी उनकी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है। विनीता हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त बड़ी खबर, हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में गई है, यानी कि चिराग पासवान जो बार बार कह रहे थे कि ये सीट मेरे पिता के पास थी और उत्तराधिकारी होने के नाते, उनका पुत्र होने के नाते ये सीट मेरे पास रहनी चाहिए, तो अब ये सीट चिराग पासवान के पास। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि इसी सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भाई इसी सीट से मैं चुनाव जीतकर सांसद बना हूं, तो ये सीट मेरी है और मेरे भाई ने मुझे इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, इसलिए भी मेरी दावेदारी बनती है। जमुई से लोकसभा चुनाव सीट जीतकर
सांसद बनते हैं चिराग पासवान, तो उन्हें जमुई की जनता के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो हाजीपुर सीट से दावेदारी क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दे दी गई है, ये बड़ी खबर सामने आती हुई। यानी कि इस हाजीपुर सीट पर जो चिराग दावा कर रहे थे कि भाई ये सीट उनकी है, तो यहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और चिराग पासवान एक पोस्ट करते हैं, जिस पोस्ट से अब ये काफी हद तक साफ हो चुका है कि हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, और ये माना जा रहा है कि राजनीति में चुकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, मुस्कुराते हुए एक बुके जो है वो एक दूसरे के सामने आप देख रहे होंगे, जो बुके लेकर के चिराग पासवान जो है वो यहां नजर आए जेपी नड्डा के साथ, और फिर साथ में मंगल पांडे के निकलते हैं। और तभी से ये माना जाने लगा कि भाई बात हो गई है, उनकी बात को मान लिया क्या है, और हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज शाम 6